हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय एक प्रश्नावली दो का तीसरा सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है आपके पास, यदि GT PD का एक गुणनखंड हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। यह सवाल बहुत सरल होता है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं। चूंकि हमारे पास GT PD का एक गुणनखंड है, तो उस स्थिति में सबसे पहले जो GT का जो मान दिया गया है, GT, चलिए हल करते हैं इसको। GT बराबर T-3 इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। चूंकि हमको T का मान चाहिए, इस कारण से ये जो -3 है इसको क्या कर देंगे, हम पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए पक्षांतर करने पर पक्षांतर कीजिए तो T इक्वल टू ये जो -3 है इधर जा क्या हो जाएगा, आपके पास +3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास T का मान मिल गया। अब चूंकि इसमें आपको निकालना है मान है किसका, ए का मान निकालना है, इसलिए आप इस समीकरण को जो बहुपद है उसको आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। तो चलिए लिखते हैं, PT इक्वल टू T² प्लस 2AT माइनस 2A प्लस 3। ये हमारे पास PT की जो मान है वो जो दिया गया है उसको हमने लिख लिया। अब चूंकि टी का मान हमारे पास उपलब्ध है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि चूंकि जी टी जो है पीटी का गुणनखंड है, इस कारण से इक्वल टू क्या हो जाएगा, लास्ट में 0 हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड है इस वजह से। अब हमारे पास जो टी का मान मिला है इसे इस समीकरण में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, मान रखने पर, मान रखिए तो उस स्थिति में पी ब्रैकेट में यहाँ पर टी का मान कितना मिला है, 3 है, तो 3 रखिए, इक्वल टू टी का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 2 का 2, ए का ए, टी का मान आपके पास मिला है अगेन 3 है, तो 3 रखते जाइए, जहाँ जहाँ टी रहेगा वहाँ वहाँ आप 3 रखते चले जाइए, क्योंकि इस समीकरण में हमारे पास टी का मान 3 मिला हुआ है। उसके बाद माइनस का माइनस, 2 का 2, ए का ए प्लस 3 का 3 और इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब हमको हल करते हुए चले जाना है। यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 9, ठीक है, प्लस गुणा कीजिए 2 3 6 ए का ए माइनस 2 ए का 2 ए और प्लस 3 का 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर हम इसको हल करना है, जो संख्या है उसको संख्या साथ जोड़ लेंगे और ए वाली संख्या जो होती है उसे हम ए वाली संख्या से जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर धन 9 है, धन 3 है, ये आपस में जोड़ के हो जाएंगे धन 12। उसके बाद धन 6 ए में ऋण 2 ए जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके पास धन 6 ए में 2 ए घटाएंगे तो मिल जाएगा क्या, 4 ए। तो हमने देखो जिसका बड़ा है, जो बड़ा जो जिसका बचा है उसी को हम लिखेंगे, तो प्लस वाले का बचा है यहाँ पर, तो प्लस वाला बड़ा भी है यहाँ पर, इसीलिए हमने प्लस वाले को हमने लिख दिया। 6 ए में -2 ए गया तो मिल गया प्लस 4 ए इक्वल टू हो गया क्या, 0। चूंकि हमारा टारगेट है ए का मान निकालना, तो हम इसको क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो अगेन यहाँ पर लिख लीजिए क्या, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो ये 4a का 4a इक्वल टू ये प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास -12। अब चूंकि हमको a का मान निकालना है, तो इन दोनों के मध्य क्या संबंध है, गुणा का संबंध है, तो ये पक्षांतर होके जो चार जो होगा वो पक्षांतर होके चला जाएगा कहाँ पर, भाग में। तो पक्षांतर में अगेन क्या हुआ, ए इक्वल टू -12 अपॉन कितना चला जाएगा, 4। ये देखिए गुणा में है वो कहाँ चला गया, भाग में आ गया। अब इसको हम कटाते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, और अभी भी हमारे पास ऋण उपलब्ध है ही। तो इस प्रकार से ए बराबर कितना मिल गया, -3 मिल गया। ये देखिए दोस्तों, ये आपके पास ए का मान प्राप्त हो गया, ये हो गया आंसर। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जरूर, और अन्य ऐसी रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट जरूर कीजिए, जिसका मैं आपको हल बना के पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।